तो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो बेटा आज इस वीडियो में करने वाले हम क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इससे पिछली वीडियो में हम इसके सारे ही जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक्सप्लेनेशन से उनको देख चुके हैं, इसमें देखेंगे इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। हमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना, उससे पहले सबकी रिएक्शन हम लिख लेते हैं। बोल रहे हैं मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, तो लिखते हैं क्या होता है, एम जी को प्लस ओ टू जब बर्न किया जाता है तो टू एम जी ओ, इसे बैलेंस किया तो यहाँ पर टू। पहले सारी बच्चे टाइप ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, मतलब उनकी इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर सबके टाइप देख लेंगे। लाइम स्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बताए, उसे हीट किया गया है, ये हीट का निशान होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, तो Ag प्लस Br2, जब इसे करेंगे तो 2 यहाँ यहाँ और यहाँ। इसमें सनलाइट आता है बच्चा तोड़ने के लिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द एसिडिफाइड वाटर, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दी, 2H2 प्लस एक ये इक्वेशन बनी। फिर बच्चा लास्ट अमोनिया NH3 रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अच्छा अब देखते हैं ये सारी टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है। देखो फर्स्ट वाले में बच्चा दो मिलके एक बना रहे, ऐसा किस रिएक्शन में होता था, आपको पता है कॉम्बिनेशन। फिर उसमें सेकेंड वाले में एक टूट के दो बना रहा है और हीट दी जा रही है, तो आपको पता है ऐसा किस में होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकेंड वाले में सेम एक टूट के दो बना रहा है डीकम्पोजिशन, बट इस बार लाइट है तो इसे बोलेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अच्छा नेक्स्ट वाले में बचा सेम एक टूट के दो बना रहा है बट इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। लास्ट वाले में दो मिलके एक बन रहा है बच्चा, मतलब कॉम्बिनेशन। क्लियर है सारे पार्ट बेटा, नेक्स्ट की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है इसका सॉल्यूशन। एक्स कौन सा सब्सटेंस है, तो आपको पता है कौन यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, CaO, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर देखते बच्चे क्या बोल रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विथ वाटर, CaO प्लस H2O गिव्स अस CaOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, ये सेकंड का आंसर हो गया बच्चा, बस यही बोला इसमें। क्लियर है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें निकलती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चा। बोल रहा विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज आर इनकरेक्ट, यहां सही से पढ़ना क्या बोला, आर इनकरेक्ट। देखते कौन सा इनकरेक्ट है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है, नहीं भाई यहां लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड होके लेड बन रहा है, यानी ये चीज तो गलत है। देखो जब ऑक्सीजन लूज करता है या हाइड्रोजन गेन करता है तो होता है रिडक्शन, बट यहां पे PbO ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है किसका, लेड ऑक्साइड का, ना कि लेड का। पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन को मिला है ऑक्सीजन तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो यही बोला कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज सी में, ये ठीक बात है भाई, लेड ऑक्साइड इज, ये भी ठीक बात, यानी गलत कौन सा है, ए और बी, ए और बी किसमें आ रहा है, यानी फर्स्ट इज आंसर, पूछो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ए एंड बी इज रॉन्ग। क्लियर, दिक्कत है यहां तक बेटा कोई, नेक्स्ट की तरफ चले। नेक्स्ट बोल रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड देन बैलेंस देम,
सबको ट्रांसलेट करना है और उसके बाद इन्हें क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। तो करके देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड हो गई नाइट्रोजन से टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन क्या होता है, H2, ये मिल गया N2 से और फॉर्म कर दिया अमोनिया यानी NH3। अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करते हैं इसे। क्या बोला, इधर N1 इधर 2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। इधर NH3 है, 3 2 6, और इधर 2 है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकंड बोला क्या है बच्चा, कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस रिएक्ट किससे कर रहा है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से, और क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड H2O प्लस SO। अब इसे बैलेंस देखो है कि नहीं। देखो हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस है, सल्फर दोनों साइड बैलेंस है, जैसे हाइड्रोजन इधर 2 इधर भी 2, सल्फर इधर 1 इधर भी, बट ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 2 और 1 3 है। अब इसे बैलेंस करना है, कैसे करें, देखो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे कर दिया 2 से, तो कितना हो गया टोटल ऑक्सीजन, 2 और 2 4, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई बैलेंस। अच्छा हाइड्रोजन कितना हो गया भाई, हाइड्रोजन हो चुका है 4, तो इधर 2 से कर दिया तो हाइड्रोजन अब 4 हो गया। अब देखो बट सल्फर डाइऑक्साइड हो गया 2, तो अब हाइड्रोजन देखो सबसे पहले 2 2 4, यहाँ 2 2 4, सल्फर 2 1 2 2 1 2, ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है, 2 2 4 + 2 = 6, बट इधर 2 2 4, तो इस 2 की जगह इस 3 को करो। अब देखो पूरा बैलेंस है, अब पूरा बैलेंस है, क्लियर है, तो ऐसे करना है इसे। नेक्स्ट करते हैं, क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अमोनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। ये नाम तुम्हें याद होने चाहिए, तुम तभी कर पाओगे नहीं, ये नाम तुम्हें याद होने चाहिए तभी तुम लिख पाओगे। तो क्या बोला, बेरियम क्लोराइड के बाद क्या बोला, अमोनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, क्लियर है। अब ये देता क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3 और बेरियम सल्फेट BaSO। अब देखो क्या इक्वल है, Ba1 इधर Ba1, Cl2 इधर Cl। अच्छा अब ध्यान देना, यहां ध्यान देने वाली चीज है कि दोनों साइड इक्वल नहीं है, दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो अब हमें इक्वल करना पड़ेगा, Ba1 Ba1, Cl चेंज हो रहा है और Al भी, तो Al इधर 2 है ना, इधर भी कर दो 2। अब Al इक्वल हो गया बट Cl अलग हो गया। अब Cl कितना हो गया देखो, 3 2 6, और इधर Cl कितना है 2, तो इधर 3 कर दो। अब Ba यहाँ 3 हो गया तो यहाँ भी 3 होगा, SO4 भी। अब सारी चीज़ें इक्वल है, आप देख सकते हो, बस अब एक एक करके सबको इक्वल करते जाना है, सारे हो जाएंगे, क्लियर है, दिक्कत है यहाँ तक कोई। नेक्स्ट क्या बोला है कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। पोटेशियम क्या होता है, के रिएक्ट्स विथ H2O एंड गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KO, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो पोटेशियम हो गया 2। अच्छा ऑक्सीजन अब कितना है, इधर 2 इधर 1, तो 2 से कर दो हाइड्रोजन इधर भी, पूरा इक्वल बैलेंस हो चुका, सारे बैलेंस हो चुके, सारे के सारे आपके बैलेंस हो चुके हैं, क्लियर। इन्हें बैलेंसिंग करना सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में समझाई हुई है कैसे करे जाते हैं, तो वीडियो जाके देख लेना अगर ना समझ आए तो। आगे समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्या करना है, बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। पहले में देखो
सबसे पहले देखो OH कितना है, अच्छा सबको अलग अलग देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर देखो हाइड्रोजन एक और यहां दो, टोटल तीन हाइड्रोजन है, टोटल तीन हाइड्रोजन है इधर, बट इधर सिर्फ दो हाइड्रोजन है, यानी यहां से तो पहली बात ये पता चली कि ये क्या नहीं है, ये बैलेंस्ड नहीं है, ये बैलेंस्ड नहीं है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, कैसे देखो क्या है, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स अस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। अच्छा अब एक काम करो, यहाँ इस Na3 को पूरा एक मान लो, तो NO3 कितना है 2 और यहाँ कितना है NO3 1, तो इसके आगे लगा दिया NO3, तो भाई हमारा इक्वल हो गया, NO3 हमारा इक्वल हो गया, CA इक्वल है ही, NO3 इक्वल। अब देखते हैं H और OH को, अच्छा O कितने ये समझना, 3 2 जा 6 और 1 7, यहाँ 3 2 जा 6 और 2 8। अब यहाँ ध्यान देना कि हमारा NO3 तो इक्वल हो चुका है, NO3 इक्वल हो चुका है, अब हमें क्या इक्वल करने की जगह है, अगर मैं H2O के आगे 2 कर दूं, अब दोनों साइड देखो, दोनों साइड देखो, इधर सबसे पहले HNO, सारी चीजों को देख लो, कॉल आ गई थी सॉरी, दोनों तरफ दोनों चीजों को देख लो, एक मिनट रुक जाना, कॉल आ गई थी, दोनों साइड दोनों चीजों को देख लो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम, सेम इधर देख लो, देखो हाइड्रोजन कितना, बैलेंस करने के बाद देखो, दो और दो 4, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 और 2 8, कैल्शियम 1, इधर देखना हाइड्रोजन कितना, 2 2 जा 4, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 और 2 8, कैल्शियम 1, दोनों साइड बैलेंस है भाई, लेफ्ट साइड के ये हो गए, राइट साइड के ये हो गए, बना के देख लो, क्लियर है, क्लियर है यहां तक, नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट बोला NaOH प्लस H2SO4 गिव्स अस Na2SO4 प्लस H2O, सिंपल है, देखो Na यहां 1 है, यहां 2 है, इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दो, Na इक्वल हो गया भाई। अच्छा अब देखो O की बात करते हैं, O कितने, यहां 4 और यहां 2 6, यहाँ 4 और यहाँ 1 ही है, तो इसके आगे भी 2 लगा दिया भाई, 6 हो गए। अच्छा H देखते हैं, 2 और 2 4, यहाँ 2 2 जा 4 S1, बैलेंस्ड हो गया भाई, क्लियर। थर्ड वाले में देखो, ये Na1 है, यहाँ पे भी Na1 है, यहाँ Cl1 है, यहाँ पे भी Cl1 है, यहाँ Ag1 है, यहाँ पे भी Ag1, यहाँ NO3 है, यहाँ भी NO3 है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट वाले में देखो Ba एक एक है दोनों साइड, Cl यहाँ 2 है बट यहाँ 1 है, तो इसके आगे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, H2 SO4 ये भी बैलेंस हो चुका है हमारा, सारे क्वेश्चन हो गए समझ, क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, Why respiration is considered as an exothermic reaction? क्यों होता है भाई? सिंपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी रिलीज हो या हीट रिलीज हो। अब इसमें हीट रेस्पिरेशन में कैसे रिलीज हो? देखो हमारी बॉडी में होता है C6H12O6 which is glucose plus हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो क्या बनाता है CO2 plus H2O plus हीट, यानी ये एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, और कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो वो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चा कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले लिखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है,
a reaction in which precipitate क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेना insoluble salt, जो mix ना water में, a reaction in which precipitate insoluble salt is obtained, जिस reaction में precipitate मिले या insoluble salt मिले उसे बोलते हैं precipitation reaction. For example हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराऊं तो बनता है NaCl plus MgOH का whole twice. यहाँ ये NaCl मिक्स हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन और ये एक सॉलिड प्रेसिपिटेट आ जाता है जो कि इनसॉल्युबल रहता है. क्लियर रहेगी ये बात? तो ये होता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. नेक्स्ट की तरफ बढ़े. बोल रहा अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग. अच्छा, ब्राउन कलर का है एलिमेंट है और हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक, तो हमें पता है ये कौन सा है, कॉपर. कॉपर ही ब्राउन कलर का एलिमेंट है और हीट करने पे ब्लैक बन जाता है, तो वो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड. तो Cu plus O2 gives us 2CuO, बैलेंस इसे कर दिया. क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो. नेक्स्ट की तरफ चलो. राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, अभी हमारा पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक उसमें ही आया था, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने लिखवाया था क्या, 2H2O, उसे जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो क्या बन जाता है, 2H2 प्लस O2. ये थर्मोलाइट हीट का CaCO3, जब इसे हीट दी जाती है तो CaO प्लस CO2. फिर मैंने लाइट का बताया था, जब लाइट दी जाती है 2AgBr, सनलाइट दी जाती है तो 2Ag प्लस Br2. क्लियर है? फिर बोला है, ये तो फर्स्ट हुआ, ए पार्ट हुआ इसका. बी पार्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हाई कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्राइड एंड सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम. अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं है. देखो बोल रहा है क्या, कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से, या फिर सिल्वर डिस्प्लेस करेगा कॉपर को कॉपर नाइट्रेट. अब यहां पे आपको याद होनी चाहिए भाई रिएक्टिविटी सीरीज. क्या चीज, रिएक्टिविटी सीरीज. अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिखवाई है, उसमें भी क्या था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होंगे आगे और. जो ऊपर रहते हैं वो मोर रिएक्टिव, जो नीचे रहते हैं वो लेस रिएक्टिव. मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है तो कॉपर ऊपर आना चाहिए. कॉपर सिल्वर से ऊपर आ रहा है, यानी भाई कौन सा, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. क्लियर? नाइन्थ क्वेश्चन भी हो गया. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. लास्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच. अभी समझा था एक्सोथर्मिक, अभी समझा था अ रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड, और एंडोथर्मिक क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच हीट स्लैश एनर्जी इज सप्लाइड. वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, हीट रिलीज हो, तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और वो रिएक्शन जिसमें हीट हमें देनी पड़ रही हो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का रिएक्शन अभी देखा था हमने, रेस्पिरेशन वाला, C6H12O6 प्लस O2 मिला दिया तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट रिलीज हो रही है, से बैलेंस कर दिया, एग्जाम्पल हो गया ये इसका. अच्छा, इसका एग्जाम्पल हीट अभी इसका भी देखा था कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को हीट किया गया तो एनर्जी दी गई है, तो टूट गया. क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई होंगी.
कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।